इथे परमात्मा पति रहिंदा, इथे जीव स्त्री रहिंदी है। तन पिर एकै संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। एक हिरदे सेज उत्ते रहिंदे आ, मिलना बड़ा औखा होया पिया। क्यों? एका सेज विची धन कंता, तन सूती पिर सद जा गंता। जीव रूप स्त्री सुती पई, मेल है जागदे दा जागदे नाल, सुते नाल जागदे दा की मेल? कहते निरी सुती नहीं होई, पियो मदरो धन मतवंता। इसने नशा भी पीता होया, वो नशा है अहंकार दा, वो नशा है अपनी खूबसूरती दा, अपने गुणा दा, अपने धन दा, ये नशा पीता होया। धन जागे जे पिर बोलंता, पई नरासी बहुत दिन लागे, देस दे संतर मैं सगले झागे, खिन रहन न पावो बिन पग पागे, होए किरपाल प्रभ मिले सुभागे। बस जदों किरपाल हुंदा फिर की हुंदा? भयो किरपाल सतसंग मिलाया, भयो किरपाल सतसंग मिलाया, भयो किरपाल सतसंग मिलाया, भयो किरपाल सतसंग मिलाया। बुझी तपत घरे पिर पाया, बुझी तपत घरे पिर पाया, बुझी तपत घरे पिर पाया। फिर विछोड़े दी अग मुक गई ते घरे पिर पाया, अपने अंदरों ही उस परमात्मा पिर दी प्राप्ति हो गई। फेरा कीता होया पाठ, ये फिर अमृत वेले उठिया, ये सेवा, ये सब सिंगार ने साडे। जिमें एक स्त्री सिंगार कर दी अपने पति नूं प्रसन्न करने, ये जितने धर्म कर्म ने सब सिंगार ने। आख्या जदों दी मेहर हुंदी है, भयो किरपाल सतसंग मिलाया, बूझी तपत घरे पिर पाया, सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया। हुण सारे सिंगार सोहणे लगण लग पए, ते कहो नानक गुर भरम चुकाया। जदों गुरु ने भरम दूर कर दिता, हुण जहां देखा तां पिर है भाई, खोलियो कपाट तां मन ठहराई। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह कहिंदे, जिन्हां ने पिछले 12-11 महीनों विच गुरु दे दित्ते हुए उपदेश नूं सुनिया, मन्निया ते कमाया, उन्हां नूं फिर फल मिलिया। की फल मिलिया? फल गुण आनंद उपार जना, फल गुण आनंद उपार जना, फल गुण आनंद उपार जना, फल गुण आनंद उपार जना। हर सज्जन प्रगटे आए, हर सज्जन प्रगटे आए, हर सज्जन प्रगटे आए, हर सज्जन। ये जिहड़ा प्रगट अक्षर है ना, पप्पा रारा गग्गा टेंका प्रगट, जिथे चारे अक्षर मुक्ते बराबर नूं प्रगट, पर जिथे पैर दे रारे ते पप्पे दे रारा लगे प्रगट। हर सज्जन प्रगटे आए, हुण इसे हिरदे विच हरी सज्जन जी प्रगट हो गए, भाव उहनां दी सोझी हो गई, ज्ञान हो गया, मिलाप हो गया। पर इह कारज मेरे कल्ले दे कीतिआं नहीं होया। जिवें कोई असी परिवारक काम करते हैं ना, विआह होवे, बच्ची बच्चे का कार्ज हो जाए, तो लोग वधाइयां देण, तो सियाने बंदे पता की कहिंदे ने, इहदी तुहाडी सारिआं दी किरपा है, इह तुहाडे सारिआं दे सहयोग नाल, भरावां दे मिलवरतन नाल होया है। सचमुच इसे तरह यह जिहड़ी परमेश्वर की सोझी ते मिलाप होया है, संत सहाई राम के, संत सहाई राम के, संत सहाई राम के, संत सहाई राम के। असल विच संत शब्द ते बड़ा प्यारा सी, सरल सी, पर जदों हुण संतां ने होर होर तरह के आडंबर करने शुरू करते,
ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਕੌਣ? ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਤ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਕੇ ਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਵੈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮੰਤਨ ਬਹਿ ਰੋਗ, ਕੋਟ ਵਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਨਾ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਲਝਣਾਂ ਸਨ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖ। ਸੇਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਹੁਣ ਸੁਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਬ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਛ ਪੁਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਹਰੀ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਵਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਿਰਦਾ, ਉਹੀ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਝੋਰੇ ਸਨ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਈ, ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਈ, ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਈ। ਸਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲਈ,
सखियां लई आम बाणी च बहुत जगह वरते हैं। ये साडियां जिहड़ियां इंद्रियां हन सानू भुल गया, ये ज्ञान इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां, ये सारा शरीर ही हुण जुड़ गया। भाव जिन्हां दी सहायता नाल असीं तुरदे हाँ उन्हां नूं सहियां सहेलियां फ्रेंड मित्र दोस्त सत्संगी कुछ भी कह लो, मिल सहियां मंगल गावहीं गीत गोविंद अलाए। हुण उस गोविंद दे गीत गाए जांदे ने, हुण जी करदा है अमृत वेले उठिए पाणी दा पाठ करिए नितनेम करिए। ठीक है शुरू विच कहिंदे ने रस नहीं आउंदा जी, मन नहीं टिकदा जी, पर घबरा नहीं जाणा। पातशाह कहिंदे ने ये मन दे संस्कार बड़े भैड़े ने, इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ स्या स्या हो नहीं स्या, ये बिल्कुल काला स्या हो किन्ना स्या है। कहिंदे खनली धोती उजली ना हो वही जे सौ धोवण पा। खनली जान दो जेड़ा को तेली दे कोल एक लत्ता होंदा, तेली दा लत्ता उन्हूं कहिंदे ने, वह कपड़ा जिहदे नाल मुड़ मुड़ के वह कोलू नूं पूंजदा है साफ करदा, उहदे भी तंद मैल पै जांदी है। सचमुच साडे भी हिरदे नूं मन नूं वह चंबड़ गई, इस वास्ते मेहनत करनी पवेगी। पर पातशाह कहिंदे ने जिन्हां ने 11 महीनियां दा उपदेश सुन के मन्निया कमाया, अज उहनां नूं इह खेड़ा खुशी ते आनंद मिलिया, ते अज उहनां नूं जुड़न विच कोई रुकावट नहीं। उहनां दे नेत्र भी मुंद जांदे ने, उहनां दे कन्न भी परमेश्वर दी बाणी सुनदे ने, बिल्कुल इकमिक हो जांदे। मिल सहियां मंगल गावई, मिल सहियां मंगल गावई, मिल सहियां मंगल गावई, मिल सहियां मंगल गावई, गीत गोविंद अलाए, गीत गोविंद अलाए, गीत गोविंद अलाए, गीत गोविंद गोविंद दे गीत अलांदियां ने, उच्चारण करदियां ने। हुण किधरे कबरां ते जाण दी लोड़ नहीं, हुण किधरे पुछां वालियां कोल, हुण किसे जंतरी मंतरी कोल जाण दी लोड़ नहीं। की कहिंदियां ने, हर जेहा अवर न दिसई, हर जेहा अवर न दिसई, हर जेहा अवर न दिसई, हर वागुरु वर्गा होर कोई नहीं। सुहागण नूं पुछ के वेखांदी मेरे पति वर्गा कोई है ही नहीं, मैं नहीं अपने पति दे बराबर किसे नूं समझदी। हर जेहा अवर न दिसई, कोई दूजा लवै न लाए। जिहड़ा लवै लाए है ना, इहदे भी कई अर्थ ने। लवै नेड़े नूं भी कहिंदे ने, साडे हरियाणे विच जे कोई बंदा बहुत चंगा होवे कहिंदे लवे लाउणे उहो जिहा बंदा ही नहीं कोई हैगा। लवे लाउणे दा मतलब नेड़े तेड़े। वाहगुरू वर्गा कोई होर नहीं, हर जेहा अवर न दिसई, कोई दूजा लवे न लाए। हलत पलत सवारियों ने चर दित्तियां न जाए। आख्या मेरे वाहिगुरू पति ने हुण मेरे ते ऐसी कृपा कीती, मेरा लोक भी सवार दिता, मेरा परलोक भी सवार दिता। सिर्फ लोड़ है उहदे नाल जुड़न दी। जिहड़े जुड़ गए उहनां दा लोक भी सवर गया, उहनां दा परलोक भी सवर गया। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बणत बणाई, फिर डोलत कदूं कतूं नाई। ऐसी अवस्था बन जाती, फिर इन्हां नरकां दा डर, इन्हां सुरगां दी इच्छा रहिंदी नहीं है। पुछो कदे भगतां, कहिंदे सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद, सुरग बास ना बाछी है डरिया न नरक निवास, होना है तो होई है मने न कीजै आस,
फिर ऐसा निश्चा पक जाता है कि जो मेरा पति करेगा ठीक करेगा। मैं नहीं होर किसी दियां गल्लां विच आउंदी। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह कहिंदे ने ऐसी अवस्था हुण बन गई कि उस वाहिगुरु पति ने, मैं तो कई बार हासे नाल कहिंदा हुन्ना वी थानेदार किसी ने बनना होवे ना, पता नहीं बेचारे नूं किन्नियां परेडां ते ड्रिलां करनियां पैंदियां ने, गोडे भी छिले जांदे ने, गिट्टे भी छिले जांदे ते जिहड़ी उहदे लड़ लग जाए उहनें कोई परेड नहीं कीती हुंदी, उह सिद्धी थानेदार नहीं बन जांदी, उन्हूं किड़ा उच्चा सन्मान मिल जाता। और जिहड़ा वाहिगुरु पति नूं अपना पति मन लेगा ना, गुरदेव गुरु ग्रंथ साहिब गरंटी देंदे ने, ना ओ मरे ना हो वै सोग, ना ओ मरे ना हो वै सोग, ना हो मरे ना हो वै सोग, ना हो मरे ना हो वै सोग। क्योंकि वाहिगुरु पति ने ना कदे मरना ते ना ओदी स्त्री नूं कदे सोग होना। हर की नार सो सदा सुहागण, रांड न मैले वेसे। तुसी सब जानदे हो पंजाब विच या जिथे भी पंजाबी समाज बैठा, जे और इस्त्री का पति चला जाए उन्हूं रंडी कहते। अज दर अगे कुछ होर भी कहते हैं, जिहड़ी वेसवा उन्हूं रंडी कहते। पर महाराज कहते ने वो इस्त्री जिसने परमात्मा पति नूं अपना पति मन लिया वह कदे भी रंडी नहीं होगी, वह कदे भी उसनूं मैला वेस नहीं करना पवेगा। हर की नार सो सदा सुहागण, रांड न मैले वेसे। ये नन्ना अखर दिली दीपक है ना, वह कदे विधवा होगी ना उसनूं कदे मैला वेस करना पवेगा। तो हुण वो जीव इस्त्री कहती है कि उस वाहिगुरु पति ने ऐसी अवस्था दिती, हलत पलत सवारे उन, हलत पलत सवारे उन, हलत पलत सवारे उन, हलत पलत सवारे उन। जिहड़ा ऊड़ा है इहदा मूँह खुला है, क्योंकि ऊड़े ते होड़ा नहीं लगता। यह गुरबाणी की व्याकरणक टकनीक है, जिथे ऊड़े का मूँह खुला होगा वह होड़े की आवाज देगा। हलत पलत सवारे उन, उस वाहिगुरु पति ने मेरा हुण लोक ते परलोक सवार दिता है। तेने चल दित्तियां न जाए, निचल दा मतलब जिहड़ी कदे चलाए मान ना होवे। हुण ऐसी जगह ऐसी अवस्था ऐसी स्टेज बख्श दित्ती है ते जदों पति दे लड़ कोई लग जाए फिर पति दा फर्ज है वह करदा है। संसार सागर ते रखेयन, बहुड़ न जन्मै तहाए। फिर वो संसार समुद्र विच डुबण तो बचा लें ते बहुत ना जन्मे ताए उन्हों फिर जमण मन दे चक्कर विच नहीं पैना पैंदा। लो अखीर विच पातशाह कहिंदे ने फिर वो इस्त्री वो जीव जग्यासु ये गल कहिंदा है कि जेवा एक अनेक गुण, जेवा एक अनेक गुण, देखो एक अखर गुरबाणी बड़े रूपां विच आउंदा है। ईड़ी नूं सिहारी, कक्के नूं औंकड़ एक, ईड़ी नूं सिहारी कक्का मुक्ता एक, ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं कि सिहारी एक, उचारण सब दा एक है पर लगा मात्रां दे घटण वधण नाल अर्थ बदल जांदा। जे एक कक्के नूं औंकड़ वाला होवेगा ते नाउन एक व्यक्ति पुलिंग लई होवेगा, ते जे एक दा कक्का मुक्ता होवेगा ते स्त्री लिंग लई होवेगा, ते जे ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं किस सिहारी होवेगी, फिर बहुतियां विचों कुछ दी गल है। तो महाराज कहिंदे ने जेवा एक, क्योंकि जेवा स्त्री लिंग है इसलिए एक दा कक्का भी मुक्ता है। एक जीवा है साडे कोल अनेक गुण, उस वाहगुरु पति दे गुण अनेकां हन, पर तरे नानक चरणी पाए। नानक जी फरमांदे ने जेड़े उसते चरणी पै गए, जिन्हां ने उहदा पल्ला फड़ लिया वह इस संसार सागर तो तर गए। ते अखीर विच महाराज कहिंदे भाई जे तुसी सारे आनंद माणना चाहुंदे हो मेरी ये फिर सलाह पले बन लो,
गुरु अर्जुन देव पातशाह ने फल गुण नित सलाई है, फल गुण नित सलाई है, फल गुण नित सलाई है, फल गुण नित सलाई है। फलगुण दे महीने विच हुण सर्दी ते गई है बिस्तरा कोल कर, हुण मौसम बड़ा वधिया आ गया, सवेरे उठण दा भी आनंद, ताजे पानी नाल शनान करन दा भी आनंद, हुण मौसम खुल गया भाई, हुण की करो, नियम बना लो, असी रोज उठना है, अमृत वेले उठना है, शनान करना है, नितनेम करना है, बाणी पढ़नी, संगत भी जाना है, पर किहड़े वाहगुरु नूं सलाउणा है। अगे उहदी सिफत दसी है, जिस नूं तिल ना तमाए, जिन्हों तिल जिन्ना तमा नहीं, तमा जानते हो ना, असी किसी बंदे की सहायता करते हैं कोई ना कोई तमा रख के, जे उन्हों को चार पैसे देने तो तमा रख के, होर कुछ नहीं दे तो चाहते हैं ना भी साड़ी ये थोड़ी जी प्रशंसा दे करे, असी दा काम कीता है ना करे, कई बार बंदे नाराज हो जाते हैं जी उन्हें साड़ी कदर ही नहीं कराई, वह वाहगुरू नूं इस तरह का तमा नहीं है। गुरदेव कहते हैं फल गुण नित सलाई है, जिसनों तिल ना तमाए, जिन्हों तिल जिन्ना भी तमा नहीं, वो अपनी ड्यूटी अपना बिरध पाल रहा है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो कहते ने दीनन की प्रतपाल करे नित संत वार गनी मनगारे, पच पशु नग नाग नराधव सर्व समय सबको प्रतपारे, पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं करम बिचारे, दीन दयाल दया निध दोखण देखत है पर देत ना हारे। बंदे नू बंदे दी कमजोरी पता लग जाए ना, कहना कल ना भी अच्छा मेरे मत्थे ना लगी, मैं लग गया पता तेरा की है तू, वह वाहगुरु नू सब कुछ पता है, उन्हू साडियां सारिया करतूतों का पता, पर फिर भी वो देत ना हारे, दीन दयाल दया निध दोखण देखत है पर देत ना हारे। लो गुरु पातशाह ने इत्थे आके निचोड़ कढ़ी, ते हुण जिवें सिंह साहब ने कहा भी एक श्लोक पहला ते एक अखीर ते है, इहदे विच सारा निर्णा कर दिता, ना किधरे संगरांद आई है, ना मस्या आई है, ना मंग कोई ऐसा जिक्र नहीं, आख्या जिन जिन नाम ते आया, 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 जिन जिन दे नने नू सहारी है, जिन्हा जिन्हा ने, ना इत्थे खतरियां दा ना जिक्र, ना ब्राह्मणा दा, ना किसे शूद्र दा, ना वैश्य, ना किसे स्त्री दा, ना किसे पुरुष दा, आख्या जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे, उन्हां दे सारे कार्ज जन्म भी सफल हो गया ते होर भी सारे कार्ज सर। गुरु रामदास जी ते कहंदे ने जे तुसी औखे होण तो बचना है फिर सौखा काम करिया करो, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। इत्थे हुण सदा क्या ते असी फिर गिणतियां मिणतियां करन लग पैने, ए जी किन्नियां माला फेरी है, किन्नी वारी जपीए, फिर ओह जे अगों मिल भी गए ने ओह कहिंदे इन्नियां माला फेरो, इन्नी वारी करो, गुरु साहब कुछ होर ही कह रहे ने, ओह कहिंदे सदा जपो। हाँ जे तुसी जानना चाहो कि सदा जपण नाल की होवेगा, ते हलत पलत मुख उजल होई है, 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 नित ध्याई है हर पुरख निरंजना, नित ध्याई है हर पुरख निरंजना, लो ये फैसला है, जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या,
दरगाह सच खरे। जिन्हां ने गुरु की मत मन के उस हरि नूं आराध्या सिमरिया वह हरि की दरगाह विच सच्चे ते खरे होए। सर्व सुखां निध चरण हर, हरि दे जो चरण हैं, हरि का जो सिमरन है, हरि दे जो गुण वह सारे सुखां दा खजाना हैं। ते पौजल बिखम तरे, ये संसार समुंदर जिन्हों पौजल भी कहा, ये डर का पानी है, इनू तरना बड़ा औखा है, पर जेड़े वाहिगुरु दे नाल प्रीत करनगे, पढ़ी जाने वाहिगुरु नाम जहाज है, फिर अगली गल चढ़े सुतरे पार, जेड़ा भी चढ़ेगा जेड़ा प्रेम करेगा वह तरेगा। तो हौली हौली की होगा, प्रेम भगत तिन पाइया, वह दिखाव्या तो बच जाएंगे, उन्होंने प्रेमा भगती की दात मिल जाएगी। तो जिन्होंने प्रेमा भगती की दात मिल जाएगी, बिखिया नाहे जरे, वो फिर विषय विकारा विच तसा इस माया रूपी बिखिया विच नहीं सड़न गए। उन्हां दी पछाण की है, आख्या कूड़ गए दुबदा नसी पूरन सच भरे। उन्हां नूं झूठ बोलन की आदत ही खत्म हो जाएगी, उन्हां दे अंदरों दुबदा ही मुक जाएगी। और कहिंदे बस असी तां हुण इक दे लड़ लग गए। यही गल कलगियां वाले पातशाह ने कही सी, खालसा जी खालसा वो है जेड़ा पूजा करे अकाल की, परचा रखे शब्द का, दीदार करे खालसे का। बस फिर वो एक नाल जुड़ जाते ने, पूर्ण सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक धरे, वो बस एक नाल प्यार कर। जिस तरह सुहागण स्त्री अपने पति तो बिना होर किसी का ध्यान नहीं कर, पातशाह तो कहते ने ढूंढेंदी है सुहाग को तौ तन काई कोर, जिन्ना ना हो सुहागणी तिन्ना झाक ना होर। जिथों जो भी सिक्ख्या लैनी गुरु ग्रंथ साहब तो लैनी, हर गल से मौजूद है, किधरे जाने की लोड़ ही नहीं। आ जिहड़े बंदे भटकदे फिरदे ना, हर कोई अपनी मत उन्हों दसदा, फिर वो साढ़े भी कन्न खाते, वो जी उन्हें तो आओ आख्या जी उन्हें आ, भाई जगह जगह पुछोगे फिर तो एवें ही आखणगे। एक नाल जुड़ो, धन गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जुड़ो, इन्हां दी बाणी दा आप पाठ करो, आप सुनो, आप विचारो, फिर की होवेगा। पातशाह कहिंदे ने महा दिवस मूरत भले, इहनूं मूरत नहीं कहना, मूरत उन्हां दे महीने उन्हां दे दिन उन्हां दे मुहूर्त सब भले हो जाण। जिसको नदर करे नानक मंगै दरसदान, इत्थे नानक दे कके नूं औंकड़ है, इत्थे नानक ते रुकना नहीं। नानक मंगै दरसदान, ये नानक जी अपने लिए कह रहे, जदों तुसी कहोगे तुसी अपने वल्लों कहोगे, मैं कहूंगा मेरे वल्लों। नानक मंगै दरसदान कृपा करो हरे, हे हरि जी कृपा करो सानू अपने दर्शन दिओ। ते दर्शन कितों होने ने, सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दै चानण सब मैं चानण होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। भई गुरु की सिख्या नाल गुरबाणी की विचार नू सुन मनण ते कमाउण नाल वो जोत प्रगट हो जाएगी। तो जिन्हां दे अंदर प्रगट हो जाएगी, जिन्हां दे अंदर प्रगट हो गई, उन्हें आख्या लोगा परम न भूलो पाई, लोगा परम न भूलो पाई, लोगा खालक खलक खलक मैं खालक, खालक खलक खलक मैं खालक, खालक खलक खलक मैं खालक, खालक खलक खलक पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई, मैं थोड़ी जी मुश्किल द्वंद विच सी, बई लड़ीवार बावन अखरी बाणी दी विचार करां के अंदरों भी आवाज़ आई,
सिंह साहब वालों भी शायद काम तो उ करो जो मुकम्मल हो जिदे नारायण संगत की तसली हो जाए खिमा करना आप कल होर स्पीड तेज कर लवेंगे पर अज इस इतने ही क्योंकि बहुत सारे भरम सानू पै गए कोई महीनों के चक्कर फसया कोई दिनों के चक्कर फसया कोई मूर्तों के चक्कर फसया पर गुरु साडा कहना ना भाई एक दी नज़र थले आ जाओ फिर महा दिवस मूरत भले जिसको नजर करे नानक मंगे दरसदान कृपा करो हरे भुला चुका दी खिमा बख्शनी गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का।